विदिशा जिले में कुछ दिनों पहले एक महिला के जैन मंदिर जाते समय स्टेशन रोड पर अज्ञात आरोपी द्वारा गले से सोने की चेन और पेंडल लूटने की घटना घटित हुई थी। एसपी दीपक शुक्ला और एडिशनल एसपी समीर यादव द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसका आज पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसडीओपी मनोज मिश्रा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर संदेही पुष्पेंद्र उर्फ घेला प्रजापति एवं अनुराग पंत की तलाश की गई, जिसको ललितपुर उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल पर कलारी के पास होने की जानकारी मिलने पर उनकी घेराबंदी कर पकड़ा गया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चैन पैंडिल जब्त किया गया। एसपी द्वारा बताया गया कि आरोपी कुख्यात अपराधी है और उसके ऊपर लूट डकैती चैन स्नैचिंग सहित कई जघन्य अपराध पहले से दर्ज है। 7 दिन के अंदर ही आरोपियों को पकड़ने पर सभी नागरिकों द्वारा एसपी दीपक शुक्ला सहित टीम का सम्मान किया गया। एसपी ने बताया कि इसमें प्रधान आरक्षक विपिन नायक और आशीष यादव का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। फिलहाल में इन्होंने जिला टीकमगढ़, इंदौर, इन सब जगहों पे भी वारदात की थी। टीकमगढ़ से भी ये आरोपी फरार चल रहा है, वहाँ की भी टीम को हमने सूचना दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इनके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, कुछ मामलों में इनके पहले के वारंट भी हैं, तो वो सारा भी रिकॉर्ड और पूरी जो इनकी पिछली पृष्ठभूमि है वो हमारी टीम संकलित कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।